अब सच में अजीब लगता है। मुंबई आया तो कुछ दिन काम करने के बाद ये रियलाइज हुआ कि बेटा तुमको ना एक्टिंग नहीं आती है। पहले सीखो, फिर सब छोड़ छाड़ के, घर परिवार सब छोड़ के मुंबई का महाड़ा का एक छोटा सा रूम में रह के 3 साल तक एक्टिंग 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 सीखते रहे, और बड़ा वहम में रहे कि काम नहीं मिल रहा क्योंकि बहुत बुरे एक्टर हैं। अपने क्राफ्ट से प्यार नहीं है, शायद इसलिए भी काम नहीं मिल रहा है। और उसकी वजह से कि हम अपने काम के लिए ईमानदारी रख पाए, हम सीखना शुरू किए। 3 साल, कब 9 साल हो गया, और स्टिल आज भी हम यही कोशिश करते हैं कि, और अच्छा करें और अच्छा करें, ये सीन ऐसे कर सकते, वो सीन ऐसे ऐसे, मतलब थोड़ा मंदबुद्धि है। हम नहीं पकड़ पाते चीज़ों को, इमोशंस को हम नहीं पकड़ पा रहे हो। हर बार कुछ भी एक्ट करते हैं तो हमको लगता है कि नहीं यार, ये वो चीज़ नहीं है और बेहतर होना चाहिए। मलाल होता है खुद में, बट हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है ना कि अब हिम्मत टूट रहा है। बहुत सारा लोग का प्यार मिल रहा है, बट अब ना हिम्मत सच में टूट रहा है। मतलब अब इस कदर हिम्मत टूट रहा है कि इतने सारे लोगों का प्यार मिल रहा है और मोटिवेशन मिल रहा है कि अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। एक नया यूट्यूब चैनल अभी खोले तो उसकी वजह से और लोगों से जुड़ने का मौका मिला, तारीफ मिल रहा, तो मिल रहा है मोटिवेशन। लेकिन अब ना इतना इतना ज्यादा डैमेज हो गया है ना कि वो तारीफ काम नहीं कर पा रहा है। काम को लेके इतना मेहनत की है, एक्टिंग सीखने के लिए आज ये काम नहीं है, किसको बोलने जाए। बेबस हम सोचे थे, हम जब रांची से निकल रहे थे तो हम सोचे थे कि हम कभी बेबस नहीं होंगे, मेहनत करके कोशिश करके कर लेंगे। पर अब ना सच में कुछ दिन पहले तो डर लगा, क्या होगा कैसे होगा। अब डर में रहते रहते आदत हो गया, अब अजीब फील हो रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल टूट रहे हैं अंदर से, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा भी नहीं है। अब ना बहुत जहर जैसा अंदर महसूस हो रहा है, लग रहा है कि वो जहर हमको खुद को ही मार रहा है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि समझ पाए कि ऑडियंस को क्या चाहिए, क्या पसंद है ऑडियंस को। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, मतलब यूट्यूब चैनल खोलने के लिए हम 5-6 साल से सोच रहे थे कि खोलेंगे खोलेंगे, और बस इस चीज़ के लिए नहीं खोल रहे थे कि हमको लगता था कि कुछ गलती ना करें। जो चीज़ सीखने के लिए हम इतना मेहनत की है, कम से कम बेहतरीन नहीं हो तो गंदा भी ना हो, और इस डर की वजह से हम यूट्यूब चैनल खोल नहीं रहे थे।
तभी बहुत लोगों के बोलने पे हम यूट्यूब चैनल ओपन तो किए, लेकिन काम ऐसा नहीं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूट्यूब से हमको काम मिल जाए, पर सच में अब जब और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि और बेहतर करते हैं बेहतर करते हैं, और एक तरफ दिखता है कि लोग कास्टिंग से या जो भी है वो लोग मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, अब मार्केट लड़के चाहिए, हाइटेड लड़के चाहिए, अब ना खत्म हो रहा है, अंदर से ना सब खत्म हो रहा है, और कुछ आता भी नहीं ना करने के लिए, कुछ आता भी नहीं, इसी से मोहब्बत की है, कुछ आता नहीं है। बहुत प्यार है इस इंडस्ट्री से ना, बहुत प्यार है, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, एडमायर करते हैं, बहुत प्यार है यार, मुंबई से हमको बहुत प्यार है, बहुत दिन मुंबई में बहुत बुरा वक्त बीता, लेकिन इस शहर से बहुत प्यार है, इस इंडस्ट्री से बहुत प्यार है हमको, पर हम पहुंच नहीं पा रहे वहां तक। मतलब जो लोग इतने समझदार लोग हैं, इतने क्रिएटिव लोग हैं, उनके साथ काम करने का मन है यार, ताकि हर रोज उनके साथ बैठ के सीखने का मौका मिले। मेरा है कि जल्दी जल्दी अच्छी चीजें सीखूं, अच्छे काम करूं, हम पहुंच नहीं पा रहे वहां तक। मतलब 2000 में हम सोचे थे कि एक्टिंग शुरू करते हैं, आज 2022 हो गया। किसी का दोष भी नहीं है, हम किसी को दोष भी नहीं देंगे। मतलब मेरे में एक तो वो नेचर था ही नहीं कि हम पैसा कमाए, हमको बस ये लगता था कि अच्छा काम करो और जैसे हो वैसे रहो, किसी का बुरा मत सोचो, काम मिलेगा, कम मिलेगा पर मिलेगा, अच्छा अच्छे अपने काम से प्यार प्यार करो ना, किए हम, आ थोड़ा आलसी है लेकिन प्यार किए हम काम से, हमको कोई नहीं जानता यहाँ मुंबई में। आज 36 साल का उम्र में जहाँ पे बहुत सारे लोग आज मेरे पास अकाउंट में कितना पैसा है, 200 रुपये, वो भी कल पानी मंगवाएंगे तो चला जाएगा। हम नहीं मालूम क्या बोल रहे हैं, पर पीछे हटने का प्रॉब्लम यही है ना, कि पीछे हटने का इरादा भी दिल में नहीं आता कि छोड़ दे, कुछ और कर लेते हैं। नहीं नहीं मोहब्बत है इस काम से, मोहब्बत है, और मोहब्बत बस खुशफहमी में नहीं है, हम मेहनत किए इसके लिए और आगे और करना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं यार।
अजीब लग रहा है। कभी ऐसा नहीं सोचे हम मुंबई में आके कि उनको बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, नहीं यार, वो कभी आया ही नहीं दिमाग में। काम करना है, सेट पे रहना है, काम करना है, सीखना है, इंटेलिजेंट लोग, क्रिएटिव लोगों से मिलना है, बात करना है, बाकी तो सब अपने आप बंद चले। पता नहीं कौन सी मिट्टी से बने हुए हैं कि छोड़ने का भी मन नहीं करता है भाई। सब 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 कुछ हो गया, मम्मी छोड़ के चल गई, लेकिन मन नहीं है कि पीछे हट जाए हम। क्या पता क्या सिद्ध है, क्या सिद्ध है, बेवकूफ तो नहीं है यार। कुछ खाना बनाते हैं, खाते हैं, आज जरा आराम से सोएंगे।